मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर एयरबेस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर वह मध्य प्रदेश आए, यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण रहा। गृहमंत्री ने जीतू के आगमन को लेकर कहा कि इससे रोजगार के नए आयाम खड़े होंगे, पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रायश्चित कर रही है, कांग्रेस पार्टी 15 महीने में कुछ नहीं कर पाई। इसके साथ ही गृहमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खासकर श्योपुर जिला, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, इसमें नए आयाम रोजगार के अब इससे पर्यटन के खड़े होंगे। पर्यटन की दृष्टि से हमारे ग्वालियर में भी काफ़ी कुछ है, और ये पूरा सर्किट हमारा खजुराहो तक जाता है। दतिया है, ओरछा है, खजुराहो है, ये पूरा सर्किट है, और उसमें फिर ये वन्य प्राणियों का और चीते का आना अपने आप में लोमहर्षक कहे या इसको हर्षदायक हमारे लिए है।